फिनाले जल्द आने वाला है इंडियन आइडल का, और फिनाले से पहले ही मेकर्स ने कर दी है एक बड़ी स्ट्रैटेजी, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसको अगर कंटेस्टेंट ने ढंग से अपनाया तो उन्हें मिलेंगे बहुत सारे वोट। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे मौजूद हूं तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार मेकर्स ने क्या किया है। अगर आप लोग सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं अरुणिता को, पवनदीप को, तो आपको पता चल गया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि सभी कंटेंडर्स को लगभग अपने पैतृक स्थान भेज दिया गया है, अपने होम टाउन भेज दिया गया है। हम सबको पता है कि अरुणिता जो है वो कोलकाता से बिलोंग करती हैं, पवनदीप राजन जो हैं वो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, और ऐसे में पवनदीप पहुंच गए हैं उत्तराखंड, जहां के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी के साथ बातचीत करते हुए, मुलाकात करते हुए, भेंटघाट करते हुए उन्होंने वहां पर मुख्यमंत्री आवास पर जो है गाना भी गाया। पवनदीप ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी भी दी। आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, तो ये मेकर्स का एक मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक इसलिए क्योंकि वो जगह जगह जाएंगे तो वोटिंग अपील करेंगे, और वोट ये आखिरी चरण रह चुका है। सवाई भट्ट के बाद अभी तक कोई जो है आउट नहीं हुआ है। अंजलि और सवाई भट्ट लास्ट के दो हफ्तों में निकले हैं दोस्तों, तो अब इस हफ्ते तो कोई नहीं निकला, लेकिन आगे आने वाले हफ्ते क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। आपको बता दूं तो ये कुछ दिनों का गैप है, और उसके बाद जो है मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद जो है चीजें जो है इस तरीके से होंगी कि दोबारा से कंपटीशन होगा, मुंबई में सेट लग जाए, क्योंकि मुंबई में शूटिंग परमिशन अब शुरू हो चुकी है तो मुंबई में सेट लगेगा, और उसके बाद फिर सारी चीजें। सो दोस्तों, हाउ मच एक्साइटेड यू आर नाउ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूज। मुझे इजाजत दीजिए, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, पवनदीप, अरुणिता, मोहम्मद दानिश, सन्मुख प्रिया, आशीष या फिर साइली, और कोई बचता है नहीं? सो कमेंट करके जरूर बताएं।